मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पेंशन लाभार्थियों को पेंशन वितरित कर रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए आज हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो बटन दबाकर हस्तांतरण कार्रवाई से कुल 86,71,781 लाभार्थियों को हम लोग 1,13,84,00,000 रुपये की धनराशि आज हस्तांतरित कर रहे हैं। इसके बाद 7 जनपद हैं जहाँ पर हमारे लाभार्थीगण उपस्थित हैं, उनके माध्यम से NIC के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे संवाद भी करना चाहेंगे। NIC कृपया जयपुर से जनपद जालौन सर, यहाँ से वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं सर। वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी का नाम नहीं, आप उसको दबाइए मत, आप वहां बैठे रहिए। वृद्धावस्था पेंशन आप उसको ऑन मत करिए, माइक बंद कर दीजिए, अपना बोलते जाइए, आपका वो सुनाई देगा। जालौन में दो व्यक्ति हैं, श्रीमती मोहरी वाली और श्री राजाराम जी हैं। ऑन करिए उसको, बाप आप हाथ मत लगाइए उसमें। क्या नाम है आपका? राजा राम जी। तो आपका जो है पेंशन की राशि और प्रधानमंत्री जी ने अलग से आपके लिए भी धनराशि भेजी है, वृद्धावस्था पेंशन मिलती है ना आपको? हैं? टाइम से मिल रही है, तो 1,500 रुपये आपके खाते में भेजा जा रहा है। क्या करेंगे आप पैसे का? घर के बाहर तो नहीं घूम रहे ना इस समय? घर में ही रहिए, ठीक है ना? चलिए आपको मैं बधाई दे रहा हूं, 1,500 रुपये आपके खाते में जा रहे हैं। दूसरे लाभार्थी हैं, क्या नाम है? हाँ, श्रीमती बमौरी देवी जी बोल रही हैं आप। तो आपका तो चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, कोई बात अच्छा है, सुंदर है। आपको भी पेंशन मिलती है ना? कितना पेंशन मिलता है? 500 रुपये महीना तो आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है और 1,000 रुपये प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से अतिरिक्त आप दी जा रही है। ये जो इस समय महामारी आई है, इस महामारी से बचने के लिए घर की आवश्यक सामग्री को खरीदने के लिए, ठीक है ना? ये पैसा सीधे आपके अकाउंट में जाएगा, बैंक अकाउंट है ना? अच्छा, क्या करेंगी पैसे से? अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई आपको, बहुत बधाई। बरेली, बरेली में जो लाभार्थी हैं किस से जुड़े हैं? बरेली से उषा शुक्ला जी बोल रही हैं। हाँ नमस्ते, आपका भी पैसा जा रहा है इस समय जो है, जो आपको निराश्रित महिला पेंशन मिलती है, निराश्रित महिला पेंशन आपके अकाउंट में सीधे भेजी जा रही है, ठीक है ना? और उसके अलावा प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो राशि दी जा गई थी 1,000 रुपये, वह राशि पिछले महीने भी आपके अकाउंट में गई होगी, इस महीने फिर से गई है, ठीक है? ठीक है, बहुत सुंदर, आपको ये धनराशि मिलने पर आपको बधाई देता हूँ। और दूसरी लाभार्थी का नाम? राजा
आपका नाम रीता पांडे है, ठीक है, बहुत सुंदर। आपके आपको ही पेंशन मिलती है ना, हर 3 महीने में पैसा आ जाता है आपके अकाउंट में, कोई दिक्कत तो नहीं होती पैसा निकालने में? तो ये पेंशन के अतिरिक्त भी आपको ये राशि दी जा रही है, ठीक है ना। बधाई आप लोगों को। और ये राशि जो है कोरोना के दौरान जो ये महामारी आई है, 3 महीने के दौरान 1,000 रुपये अतिरिक्त देने की व्यवस्था ये प्रधानमंत्री जी ने की है। इसके लिए जो है सभी जो लाभार्थी गण है उन सबको मैं बधाई दे रहा हूं। अगला जनपद होगा यहाँ पे देवरिया। नमस्ते जी, देवरिया। हाँ नमस्ते, देवरिया जनपद। दिव्यांग जन से जुड़े हुए हैं देवरिया में। हाँ तो कौन पहले लाभार्थी का नाम बताइए। अजय कुमार। आप छोड़ दीजिए, हाथ छोड़ दे, हाथ हटाते हैं। अब बोले आपको जो है दिव्यांग पेंशन मिलती है, मिलती है ना, ठीक है, बहुत सुंदर। कितना मिलता है? 500 रुपया महीना मिलता है। इसमें 1,000 रुपया जो है इधर 3 महीने के लिए अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है ना। आप कैसे चलते हैं? क्या आपके पास जो है ये आपका क्या नाम है जो उस किस कैसे है? नहीं, आपके पास जो है वो नहीं है, क्या नाम है, कैलिपर्स वगैरह नहीं है, उससे नहीं चलते हैं? ट्राई साइकिल वगैरह नहीं है, व्हील चेयर है, मोटराइज है ना आपके पास? क्या करते हैं आप, पढ़ाई करते हैं? कौन क्लास में पढ़ रहे हैं? बहुत सुंदर, मेहनत से पढ़िए, ठीक है ना। देखिए अब तो प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग जनों के लिए आरक्षण की सीमा भी बढ़ा दी है, और जल्दी से मेहनत कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग नौकरी लग जाएगी। कार्य की आपको धनराशि मिलने पर बधाई दे रहा हूं मैं। दूसरे भारती का नाम दुर्गेश। नमस्ते जी, क्या नाम आपका? ठीक है, बहुत सुंदर। आपको भी पैसा पेंशन मिलती है ना, तो पैसा फिर अतिरिक्त जा रहा है आपके अकाउंट में, क्या करेंगे पैसे से? अच्छा, बहुत सुंदर। आप कैसे चलते हैं? आपको ये ट्राई साइकिल वगैरह नहीं मिली है? मिली है, उपयोग करते हैं ना। और वैसे क्या काम करते हैं, हैं? अच्छा, उससे उसे अपना काम धाम भी करते हैं, बहुत सुंदर, बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। अगले लाभार्थी और कोई? दो ही लाभार्थी हैं, ठीक है, धन्यवाद। अगला अगला जनपद बहराइच। हाँ जी, हाँ, यहाँ पे दो तो कुष्ठावस्था पेंशन से जुड़े हुए लाभार्थी हैं, और दो दो ही हैं। हाँ तो कुष्ठावस्था पेंशन से जुड़े हुए हैं, पहले लाभार्थी को बुलाइए, क्या नाम इनका? कृष्णा। कृष्णा कृष्णा, आपका नाम कृष्णा है। नमस्ते, पेंशन मिल रहा है आपको ना, तो फिर से पैसा जा रहा है आपके अकाउंट में, 2500 रुपये फिर आ रहा है। राशन वगैरह मिल रहा है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं? सभी लोगों का राशन कार्ड बना हुआ है ना, और मकान?
मकान भी मिलेगा, ठीक है, चलिए बधाई आपको। दूसरे लाभार्थी का नाम मिश्री लाल जी, आपको पेंशन मिल रहा है, ठीक है, बहुत सुंदर, आपके अकाउंट में फिर से पैसा जा रहा है, ठीक है, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई, ठीक है, बधाई आप लोगों को। अगला जनपद बरेली हो गया, मेरठ, हाँ नमस्ते जी, ये दिव्यांग जन से जुड़े हुए हैं, रवि कुमार कौन है, रवि कुमार क्या करते हैं, किसमें, अच्छा बल्लभ फैक्ट्री में, बहुत सुंदर, बधाई भाई आपको। तो आप मुझे बताइए कि आप कैसे जाते हैं फैक्ट्री में, फैक्ट्री में आप कैसे जाते हैं, ट्राई साइकिल है ना आपके पास, ठीक है, बहुत सुंदर, पेंशन जा रहा है आपके अकाउंट में, ठीक है ना, आपके अकाउंट में धनराशि जा रही है, सुनाई दे रहा है, आवाज वहां नहीं जा रही। दूसरे लाभार्थी का नाम मेरठ में, नहीं वहां से, यहां से आवाज तो दी जाएगी ना, ये ब्लॉक कहीं पे कहीं से हुआ है, अगले लाभार्थी, अगले जगह मथुरा, कहीं से डिस्टर्ब हुआ है, भाई आवाज क्यों नहीं जा रही है, ना जा रही है ना आ रही है, आवाज आ रही है आपको, मेरठ पूछो, मेरठ नहीं, क्यों कहां से प्रॉब्लम आ गई, मेरठ आवाज आ रही है ना, आप जो है कैसे ट्राई साइकिल से जाते हैं अपने काम में, बहुत सुंदर, बधाई आपको भाई। और दूसरे लाभार्थी का नाम क्या है, नितिन कुमार, ठीक है, बहुत सुंदर, आपके पास तो मोटराइज ट्राई साइकिल है पहले से, इससे कुछ और काम भी करते हैं, ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई, आज फिर से आपके आपके अकाउंट में पैसा जा रहा है, राशन वगैरह मिलता है, चलिए बधाई, बहुत बहुत बधाई। मथुरा, हाँ बात करो, हाँ राधे राधे, आपका पैसा आपको मिल रहा है ना, आपके
आप चिंता मत करिए, सरकार पूरी चिंता करेगी, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। नहीं नहीं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अगले लाभार्थी का नाम। हाँ राधे राधे, आप लोगों को पेंशन मिल रहा है? हाँ जी, हाँ जी, आप लोग कहाँ रहते हैं? नहीं, वहां पे क्यों, वहां पे समाज कल्याण विभाग के या महिला कल्याण विभाग के अधिकारीगण होंगे, वहां पे कृष्णा कुटीर आदि बनी हुई है, वहां पे भी तो रहने की व्यवस्था है क्या? वहां इन लोगों के रहने की प्रॉपर व्यवस्था है कि नहीं है? हैं, कृष्णा कुटीर में रह रहे नहीं है ना? कोई दिक्कत तो नहीं वहां पे? अगला और कोई लाभार्थी और तो नहीं हुई? हाँ बात करो। हाँ राधे राधे जी, आपको पेंशन मिल रहा है ना? तीसरे महीने पैसा आ जाता है आपके खाते में, बहुत सुंदर। आपको जो है ये धनराशि दी जा रही है, और इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने इस कोरोना जो संकट महामारी के दौरान जो संकट आया है, इस दौरान अलग से 1,000 रुपया दिया है, तो 500 रुपये पहले महीने आप लोगों को मिल गया था, इस महीने 500 रुपये और दिया जा रहा है, ठीक है ना? और कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? बधाई आप लोगों को धनराशि होने पर, बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं मैं। और कोई जनपद तो नहीं? वाराणसी, हाँ वाराणसी। हाँ ये वृद्धावस्था पेंशन से जुड़े हुए हैं? वृद्धावस्था पेंशन से जुड़े हैं सभी लोग? हाँ तो पहले लाभार्थी का नाम बताओ। हाँ जी, क्या नाम है उनका? हन्ना खान। तो क्या इनको मास्क वगैरह नहीं मिला है? लगाए हुए हैं ना? हाँ ठीक, कोई बात नहीं, आप बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? ठीक है, आपको पेंशन मिलती है हर महीने? मिलते हर तीसरे महीने मिल जाती है ना? ठीक है, बहुत सुंदर। फिर से आपके अकाउंट में हमने पिछले महीने तो 2 महीने का पेंशन आपको दिया ही था, इस महीने जून का पेंशन के साथ 1,000 रुपया और अतिरिक्त दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने दिया है सब पैसा, तो इसलिए बधाई दे रहा हूं। क्या करेंगे पैसे से आप? ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और कोई दिक्कत नहीं? राशन वगैरह मिल रहा है ना? ठीक है, बहुत सुंदर। अगले लाभार्थी का नाम। इनको क्या कौन सा पेंशन मिल रहा है? ठीक है, बहुत सुंदर। आपको पेंशन मिल रहा है हर तीसरे महीने? ठीक है, आपको फिर से पैसा जा रहा है? ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई। हाँ चलिए, बहुत सुंदर, हर हर महादेव। और कोई लाभार्थी? किससे भी वृद्धावस्था पेंशन दे हैं? सभी उसी से जुड़े हुए हैं। चले बहुत सुंदर, सभी लोगों को समय पे मिल रहा है, राशन भी मिल जा रहा है कि नहीं मिल रहा है इन लोगों को? ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सभी सुविधाएं मिलेंगी, सरकार सभी चीज आप लोगों को देगी, और ये सुविधाएं। हाँ ये सब प्रधानमंत्री जी करा रहे हैं,
और दूसरा सभी जनता ने जब आशीर्वाद दिया है तो उसी के कारण ये सब करने में भी हमें सफलता मिल रही है। हाँ, सभी को राशन भी दिया जा रहा है, सभी को पेंशन भी, पैसा भी दिया जा रहा है सभी के अकाउंट में, ठीक है ना। बहुत सुंदर, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के द्वारा, दिव्यांगजन कल्याण विभाग के द्वारा, महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन के जो लाभार्थी हैं इनकी संख्या 49,87,051, निराश्रित महिला पेंशन धारक 26,06,213, दिव्यांगजन पेंशन 10,67,786 और कुष्ठावस्था पेंशन 10,728, यानी कुल मिला के 86,71,781 लाभार्थियों को 1301.84 करोड़ रुपए की राशि एक साथ सभी लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन धारकों के अकाउंट में 1500 रुपये, निराश्रित महिला पेंशन धारकों के अकाउंट में 1500 रुपये, दिव्यांगजन पेंशन धारक के अकाउंट में 1500 रुपये और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के अकाउंट में 2500 रुपये एक साथ एक मुश्त यहां पर एक साथ भेजे जा रहे हैं। मैं इसके लिए हमारे जिन विभागों के मंत्रीगण हैं, समाज कल्याण विभाग से रमापति शास्त्री जी, दिव्यांगजन विभाग से श्री अनिल राजभर जी, महिला और बाल विकास विभाग से श्रीमती स्वाति सिंह जी, इन सभी मंत्रियों के साथ साथ विभाग के जो हमारे अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव गण हैं, मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त हैं, इन सबको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वैश्विक महामारी कोरोना से जब पूरी दुनिया जूझ रही है और उन स्थितियों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन सभी लोगों की चिंता की है, गांव का गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, सभी लोगों को, और बराबर उनके अकाउंट में पैसा दिया, राशन दिया, आज उसी का प्रतिफल है कि हर एक गरीब को हम लोग सुविधा उपलब्ध कराने में हमें मदद मिल पा रही है। चाहे वह 18 करोड़ गरीबों को राशन उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो, पहली जून से हम छठी बार राशन उपलब्ध करवा रहे हैं गरीबों को, पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन की सुविधा का लाभ मिला है। इसी प्रकार से हम लोगों ने 86,71,781 जो लाभार्थी थे, चारों प्रकार के पेंशन धारक, अप्रैल महीने में हम लोगों ने 2 महीने की पेंशन उपलब्ध करवाई थी एक साथ, और आज इन्हें पीएम पैकेज के अंतर्गत जो 1000 रुपये की राशि 3 महीने के लिए अलग से पेंशन के अतिरिक्त स्वीकृत की गई थी, इस राशि को भी आज उनके अकाउंट देने की व्यवस्था सीधे की जा रही है। आप अनुमान कर सकते हैं कि एक साथ 86,71,000 से अधिक लाभार्थी पेंशन की सुविधा से सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कैसे हम गरीब को इन सभी योजनाओं से लाभान्वित कर सकते हैं, एक क्लिक करके सबके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। पहले इसमें भी बहुत शोषण होता था, प्रधानमंत्री जी ने शोषण से आपको मुक्त कर दिया, अब कोई व्यक्ति शोषण नहीं कर पाएगा। अगर दिल्ली और लखनऊ से आपके लिए 500 रुपया भेजा जा रहा है तो 500 रुपये सीधे आपके पास पहुंचेगा, क्योंकि पैसा आपके अकाउंट में जाएगा, इसमें कोई दलाली नहीं हो सकती,
कोई पैसा बीच में नहीं काट सकता है। और मेरी आप सभी लाभार्थियों से एक अपील होगी कि पैसा आपके पास जा रहा है, आपके अकाउंट में सीधे जाएगा। कुछ पैसा आज जा रहा है, कुछ पैसा कल परसों तक यानी अगले सप्ताह तक सभी लाभार्थियों के अकाउंट में पैसा चला जाएगा। लेकिन पैसा के लिए सीधे बैंक में जाने की बजाय बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के माध्यम से आप लोग अगर उनकी सेवाएं लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, आपको गांव में ही पैसा मिल जाएगा। और हमारा प्रयास है कि जितने भी हमारे कॉमन सर्विस सेंटर गांवों में हैं या बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट गांव और शहर दोनों क्षेत्रों में तैनात हैं, इनकी सेवाएं अगर ये लोग लेने लग जाएंगे तो बैंकों में अनावश्यक भीड़ नहीं होगी। क्योंकि इस समय जो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वह है कि किसी भी प्रकार से कोरोना के संक्रमण को रोकना, और संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक है कि हम एक जगह भीड़ ना लगाए ज्यादा और सतर्क रहें, खासतौर पर बुजुर्ग, बीमार, कमजोर लोग, गर्भवती महिलाएं या बच्चे, ये पांच कैटेगरी ऐसी हैं जिन्हें घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, और निकलना भी है तो मास्क लगा करके विशेष परिस्थितियों में। वैसे जितना आप लोग संक्रमण से बच पाएंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। संक्रमण एक बार जब आएगा तो वह किसी की जाति, किसी की उम्र और किसी का चेहरा नहीं देखता है, इसलिए संक्रमण से बचना, और इससे बचने के लिए आवश्यक है कि धनराशि तो आपको दी जा रही है, इस धनराशि को हम बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के माध्यम से या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अगर इसका उपयोग करेंगे तो एक तो बैंक में आने जाने में, रास्ते में, वाहन में पता नहीं कौन व्यक्ति आपके आपके पास बैठा हुआ है, तो वह एक संक्रमण फैलने से हम लोग रोक सकते हैं या उसकी चपेट में आने से बच सकते हैं। भीड़ भाड़ में जाने से हमें बचना पड़ेगा। इसके अलावा घर से बाहर अगर निकलना भी पड़े या घर में भी अगर लोग अपने परिवार के अन्य सदस्यों से हम बातचीत करते हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो मुंह पे गमछा या फेस कवर या मास्क जरूर हम लगाएं, क्योंकि अगर हम ये लगाते हैं तो यह हमें स्वस्थ रखता है। दूसरा, मास्क या फेस कवर हम जो लगा रहे हैं, मास्क इसका फिर ऐसा नहीं कि आप इसको पूरा हमेशा इस्तेमाल करते रहें, अगर कपड़े का है तो इसको रोज धोते भी रहें, एक दिन इस्तेमाल करके अगले दिन धोइए, अगले दिन दूसरे मास्क का इस्तेमाल करिए। हम लोगों ने प्रयास किया है कि महिला स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से हर एक व्यक्ति को 10 रुपए में 2 मास्क मिल पाएंगे, और एक का एक दिन इस्तेमाल किया, अगले दिन उसको धो दिया, अगले दिन दूसरे को इस्तेमाल कर लिया, तो ये क्रम चलेगा तो संक्रमण फैलने से रोक पाएंगे हम लोग। बहुत बड़ी मात्रा में संक्रमण को हर हाल में रोकना, कोरोना संक्रमण को हम रोक लेंगे तो इससे जो दुनिया प्रभावित है और पूरी दुनिया में जो बहुत बड़ी मात्रा में मौतें हो रही हैं, लॉकडाउन के समय में संक्रमण को काफी हद तक रोकने में हमें मदद, लेकिन आगे भी लोग इस संक्रमण की चेन को तोड़ करके और इसको हर हाल में फैलने से रोक सकते हैं, और इस सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी तबके का व्यक्ति हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, तो हो यानी बुजुर्ग हो, बच्चे हो, नौजवान हो, कोई भी किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, किसी भी जात मजहब का व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति को इसके प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। कोरोना से जो खतरा है सभी को है, जो असावधान हुआ उसको खतरा है, लेकिन फिर भी हमें बुजुर्गों को, बीमार लोगों को, गर्भवती महिलाओं को, कमजोर लोगों को, बच्चों को तो विशेष रूप से बचाना होगा, क्योंकि ये जल्दी इसकी चपेट में आ सकते हैं और इन लोगों के लिए वह खतरनाक। इसी दिशा से सभी कार्यक्रम चल रहे हैं, मुफ्त में राशन की व्यवस्था दी जा रही है, रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, पेंशन की व्यवस्था समय से पहले दी जा रही है या फिर अतिरिक्त पैसा दिया जा रहा है। 3,56,00,000 जनधन अकाउंट धारियों के भी खाते में पैसा 500 रुपया दिया गया,
और दो दो बार जा चुका है। प्रदेश में 2,04,00,000 किसानों के खाते में अब तक 2,000 रुपए की राशि दो दो बार आ चुकी है। 1,54,00,000 से अधिक जो हमारे उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, उनके खाते में उनको रसोई गैस के निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध हुए हैं। ये सारे कार्यक्रम मनरेगा में व्यापक पैमाने पर कार्य हो रहा है। हर दिन 41,00,000-42,00,000 लोग प्रतिदिन काम कर रहे हैं मनरेगा में। निर्माण श्रमिक, ठेला, खोमचा, रेहड़ी लगाने वाले, पटरी व्यवसायी, ऐसे हमारे 33,00,000 जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, इनको हम लोगों ने प्रदेश सरकार की तरफ से 1,000 रुपए का भरण पोषण भत्ता और खाद्यान्न निःशुल्क इनको भी उपलब्ध कराया है। 30,00,000 से ज्यादा प्रवासी श्रमिक प्रदेश में आए हैं, इन सबको भी राशन किट के अलावा राशन कार्ड और इन्हें भी भरण पोषण भत्ता के रूप में 1,000 रुपए की राशि तत्काल उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। ये सारी कार्रवाई इसलिए जिससे हम शासन और प्रशासन के साथ मिलकर के कोरोना के संक्रमण को हर हाल में रोक सकें। और आज ये कार्यक्रम इसी कार्य के उद्देश्य से कि हम सब शासन के निर्देशों का पालन करें और उनके अनुरूप चल करके कोरोना संक्रमण से हर हाल में स्वयं बच सकें, दूसरों को भी बचवाने में योगदान दे सकें, इसी के लिए दिया जा रहा है। मैं प्रदेश के सभी 86,71,781 लाभार्थियों को, जिन्हें 1,301,84,00,000 रुपए की राशि यहां पर एक साथ ऑनलाइन उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है, उन सभी लाभार्थियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। तीनों विभाग के मंत्रियों को और अपने प्रदेश के जो मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव वित्त और तीनों जो विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवगण हैं, इन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं।